पति गज मुख जग प्रतिपालक गौरा शिव के हो दिव्य बालक प्रथम पूजनीय देव तुम्ही हो हम भी करते प्रणाम भक्तों। आज बुधवार के दिन गणपति महाराज की विशेष कृपा के लिए गणेश भगवान की पावन कथा का श्रवण कीजिए। गणपति महाराज आप सभी श्रोताओं का मंगल करेंगे, वे सुख समृद्धि से आपके भंडार भरेंगे। आज सुनाऊं मैं कथा अनोखी, और गणपति जी की गणपति सा दयावान नहीं है, इन सा कोई विद्वान नहीं है। एक निर्जन क्षेत्र में एक अति गरीब बुढ़िया रहती थी। उस माता की आंखों की रोशनी नहीं थी। उस बुढ़िया माता का एक पुत्र व पुत्र वधु भी उसके साथ रहते थे। कर्मों का मारा परिवार बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था, परंतु बूढ़ी माता अपने नित्य नियम की पक्की थी। वह सुबह शाम गणपति महाराज का पूजन वंदना किया करती थी। गणपति जी है सब कुछ जाने, भक्तों की भक्ति पहचाने, करता है जो दिल से पूजन, देते संपत्ति और धन। तो भक्तों, बुढ़िया हर बुधवार भगवान गणपति को मोदक का भोग लगवाती। वे यहाँ वहाँ से दुर्वा इकट्ठी करके गणपति जी को माला बनाकर पहनाती। एक दिन एक नन्हे बालक के रूप में गणपति बुढ़िया के घर आते हैं और बुढ़िया को कहते हैं, माता मुझको भूख सताए, दिन बीते मुझको कुछ खाए, बूढ़ी माँ के मोदक खाए, बालक रूप में भोग लगाए। माता ने बालक रूपी गणेश जी को खूब मोदक खिलाए और उन्हें भरपेट भोजन कराया। बूढ़ी माँ ने पूछा कि बालक, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो बालक ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे पिता का नाम शिव है। बूढ़ी माँ ने कहा कि यदि तुम अपने गांव जा रहे हो तो ये कुछ मोदक अपने साथ ले जाओ,
तुम्हें रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। गणपति तो है भाव के भूखे, भरते भंडार अपने भगतों के, दिव्य नेत्र बुढ़िया को दीने, बुढ़िया ने तब दर्शन कीने। गणपति महाराज ने बूढ़ी माँ को दिव्य नेत्र दिए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर बूढ़ी माता को दर्शन दिए। बुढ़िया गणपति जी के साक्षात दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। गणपति जी ने कहा कि हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांगो। बुढ़िया बोली, मुझे कुछ मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं? तब गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटे और बहू से पूछ लो। बुढ़िया अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वृतांत सुनाकर कहा कि बताओ मैं क्या मांगूं। तब बेटे ने कहा, माँ तुम धन मांगो। और बहू ने कहा कि माँ तुम नाती पोते मांगो ताकि वंश बेल आगे बढ़ सके। बुढ़िया सोचे क्या वो मांगे, जिससे सबको सुख मिल जाए। बेटा तो धन संपदा चाहे, गोद में लाल खिलाए। बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछूं कि क्या मांगना चाहिए। तो वह अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और उसे सारा वृतांत सुनाकर पूछा कि क्या मांगना चाहिए। तो पड़ोसन ने कहा कि कुछ ऐसा मांगो जिससे सभी का भला हो। वह उसे एक अमूल्य वरदान के बारे में बताया। सरस्वती ने कृपा की सद्बुद्धि दीनी, एक वचन में सब सिद्ध होए, सबका जिस से मंगल हो। माँ सरस्वती ने बुढ़िया को सद्बुद्धि दी और बुढ़िया ने एक ही वरदान में सबका हित मांग लिया। बुढ़िया गणेश जी के समक्ष गई और उनसे प्रार्थना की कि हे गणपति, इस वर्ष गणेश महोत्सव पर मैं अपने नाती पोतों के साथ आपके दर्शनों को आऊं और आपको सोने का मुकुट अर्पण कर सकूं। वह मेरे संग मेरे सभी पड़ोसी भी खूब सारे उपहार लाकर आपका पूजन व भंडारा कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। सुनकर बुढ़िया की मन चाहना, गणपति ने की खूब सराहना। एक बार में सब तुमने मांगा, सबका
का सुख और वैभव मांगा। गणेश जी बोले, माता तुमने बड़ी कुशलता से सभी का सुख और वैभव मांगा है। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं कि तुम निस्वार्थ होकर सभी को सुखी देखना चाहती हो। गणपति जी ने तथास्तु कहकर सभी की मनोकामना पूर्ण की, वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। देव तुम्हारी शरण में आए, श्रद्धा पुष्प चरणों में लाए, हम पर भी कृपा कर देना, सबके भंडारे भर देना। तुमसे है एक अर्ज हमारी, सुखी रहे सब नर और नारी, गणपति कथा श्रवण करे कोई, के घर सब मंगल होई, गणपति महिमा को नित गा, मोदक दुर्वा रोज चढ़ाओ, गणपति की जयकार बुला, आरती गाओ। तो भक्तों मिलकर बोलिए, गणपति महाराज की जय।